बताता रहता हूँ ताकि आप आलिम बन कर निकलें, आपकी नमाज सही हो जाए। नमाज ईद, ईदुल फितर वाजिब है, ईदुल अज़हा, नमाज ईदुल अज़हा वाजिब है। ईद के दिन हमने क्या करना है सुनिए, ईद के दिन की सुन्नतें, सुबह को जल्द उठना, सुबह की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, नए या धुले हुए पाक कपड़े पहनना, ईदगाह की तरफ यानी नमाज के लिए जल्द जाना, ईदगाह नमाज ईद पढ़ते हुए रास्ता तब्दील करना, जिस रास्ते से जाओ वापसी दूसरे रास्ते से। इसकी हिकमत मैंने पढ़ी, औलिया ने लिखा, फरमाया चूँकि तकबीरात भी पढ़ते हुए आना है, तकबीरात पढ़ते हुए जाना है, फरमाया जब रास्ता बदल कर जाएंगे वो रास्ता भी तुम्हारे जिक्र की गवाही देगा, ये रास्ता भी तुम्हारे जिक्र की गवाही देगा। तकबीरात पढ़ते हुए आना और जाना, ईद उल फितर के मौका पर आहिस्ता तकबीरात, और ईद उल अज़हा जब पढ़ने जाएं तो ऊंची आवाज़ से तकबीरात। सदका फितर, ख़ास बात, सदका फितर नमाज ईद से पहले अदा करना, वरना रोज़े कबूलियत तक नहीं पहुंचते। और सदका फितर कितना है, 2 किलो आटा जो इस्तेमाल में है उसकी कीमत जितनी बनती है वो आपने ईदुल फितर से पहले फितराना अदा करना है। ईदुल फितर की नमाज से पहले कोई मीठी चीज़ खाना सुन्नत, जबकि ईदुल अज़हा से पहले कुछ न खाना मुस्तहब है।